नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बात करेंगे स्वच्छता की और शुरुआत करेंगे अस्पताल से। जी हां, सरकार द्वारा लाख दावे किए जाते हैं और नियम भी बनाए जाते हैं कि अस्पताल को स्वच्छ रखना है, तभी मरीज उस अस्पताल में एक स्वच्छ वातावरण में सांस ले पाएगा। लेकिन क्या वाकई में इन नियमों का पालन होता है? नहीं। अस्पताल में जिस तरह से उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हीं उपकरण को बिना नष्ट किए अस्पताल परिसर में ही फेंक दिया जाता है। जरा आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में कि किस तरह से अस्पताल के कर्मचारी ही इन नियमों को भंग करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले के प्राचीर से ये बात कहते हैं कि हमारे देश में स्वच्छता को लेकर बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाने की जरूरत है, तो ये जरूरी हो जाता है कि उसकी शुरुआत हम कहां से करें। क्या इसकी शुरुआत हम अपने घरों से करें, आसपास के इलाकों से करें या फिर अस्पतालों से करें? चलिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अगर कोई भी मरीज इलाज के लिए अस्पताल में जाता है तो क्या वहां स्वच्छता के सारे इंतजाम है, ये जानना बेहद जरूरी है। जिन अस्पतालों में लोगों को नई जिंदगी मिलती है, बीमारियां दूर होती है, उन्हीं अस्पताल प्रबंधनों की लापरवाही के कारण लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा भी मंडरा रहा है। अस्पताल प्रबंधन महज कुछ रुपए बचाने के लिए नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अस्पताल से निकलने वाला मेडिकल का कचरा सीधे निगम के सड़कों में डाल रहे हैं। इससे इलाके में संक्रमण फैलने की आशंका को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। खुले में बायोमेडिकल वेस्ट डालने से शहर व ग्रामीणों को संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। नियम के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन को बायोमेडिकल वेस्ट अलग अलग कलेक्ट करके उसे साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज ऑफ करने के लिए संबंधित एजेंसी को देना होता है। दरअसल अस्पताल, क्लिनिक, CHC, PHC और शहरी दवाखाना का मेडिकल कचरा खुलेआम पास रखे निगम के डस्टबिन में ना डालकर सड़कों व नदियों में फेंक रहे राहुल का कहना है कि जिला अस्पताल सहित कई बड़े प्राइवेट अस्पताल अपना मेडिकल कचरा अपने कैंपस में डिस्पोज करवाते हैं। CHC, PHC और प्राइवेट क्लिनिक व छोटे अस्पतालों का कचरा खुले में फेंके जाने की शिकायत पहली बार नहीं मिल रही है। कुछ लोगों ने साफ सफाई को लेकर हमारी एवी स्टार न्यूज की टीम से रूबरू होकर अपने मन की बात रखी। राहुल जी, ये बताइए, जिला अस्पताल में इतनी गंदगी पड़ी है और इसके गंदगी का प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी स्वच्छता अभियान के इसके बारे में क्या कहना? जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने अपनी वो भी चला रखी है एक मिशन की भाई स्वच्छता अभियान के बारे में, पर बाकी इस चीज़ के बारे में धरातल पर कुछ भी नहीं। कि आप देखो 10 से 10-15 मीटर दूर की दूरी पर ही SPOP से आवास भी है और जो भी PM हाउस है, जिसमें कितनी बुरी न्यायालय भी नज़दीकी है, न्यायालय भी नज़दीक, और उसमें काफ़ी मरीज जो आते हैं वे भी इसी रास्ते को निकलते हैं, इसी रास्ते को जो प्राइवेट हॉस्पिटल में, वे भी रास्ते के आसपास ही, मतलब कोई भी स्वस्थ के बारे में किसी भी प्रकार की वो नहीं ले जा रही। नहीं, प्राइवेट वाले भी सरकारी वाले सब एक रास्ते में घेरते हैं और बड़ी मतलब गंदगी का इतना बड़ा आभार हो रहा है कि बीमारी के 99% ऐसा हो रहा है कि वो चलती है ना हवाई सी, तो उससे बड़ा दूषित होता है। जैसा ये जिला अस्पताल के कैंपस में उधर SP आवास हो गया, उधर जो है PM हाउस हो गया, उधर न्यायालय हो गया, और सारी अपने जो मरीज आते हैं भी देखते हैं, क्या वे पट्टी वगैरह जो उतार देते हैं ना, वे भी यही नहीं फेंक देते सड़कों के साइडों में, जो उनके ऊपर जो है माखी भिन बना रही भिन और बहुत ही कुत्ते लग रहे हैं। जी जी जी, ऐसा होता है ना, आप अक्सर देखते रहो, बहुत बुरा। अच्छा, ये बताइए, प्राइवेट वाले भी जो है जितने भी वे भी रोड के ऊपर घेर देते हैं, उनको आदेश है कब उसको जो भी अपने अंदर की डस्टबिन वगैरह जो स्वच्छता अभियान चलाया था उसके लिए डस्टबिन भी रखी, पर डस्टबिन में कोई भी प्रयोग नहीं, अदरवाइज फेंक देते हैं पन्नी और कुत्ते फाड़ देते हैं, जो जितने भी आवारा पशु हैं फाड़ देते हैं, तो मतलब इतनी ज्यादा गंदगी है कि उधर को निकलना भी बड़ा भारी हो जाता है। तो मतलब कि मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपनी एक योजना चला रखी है स्वच्छ भारत अभियान, तो प्रधानमंत्री तो लगे हुए हैं पर बाकी कोई भी महकमा ऐसा नहीं तो है। ये है कि धरती पे और जो है समाज के अंदर कोई फेर बदलाव नहीं आया।
चलिए इन लोगों का कहना है कि जो प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी ने जो अपने अभियान चला रखा इन लोगों के अंदर जो है कोई कानून में जोंग नहीं रह करी। सभी जो है रोड के ऊपर प्राइवेट अस्पताल हैं, वे सभी रोड के ऊपर हैं, जो हमने सभी के शॉट मार चुके रोड के ऊपर पड़े हैं जिनमें गंदगी है। और एक दीवार पर लिखा है बड़ौत में अस्पताल के जो है नगर पालिका ने लिख के रखा कि इस पर जो है गंदगी ना घेरी जाए रोड के ऊपर, जो है डॉक्टरों ने अस्पताल वालों को कह दिया, फिर भी उसके बावजूद जो है लोग बराबर धराधल पर अपना रोड के ऊपर घेर रहे हैं। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जो हमारे ज़िले में सरकारी और गैर सरकारी जो भी संस्था स्वास्थ्य संबंधित हैं, वे इस बारे में जो कचरा करकट और बाहर विशेष सामग्री जो बाहर फेंकते हैं, जबकि हमारे पास देश में डस्टबिन वगैरह हमारे पास लागू है, डस्टबिन लगाई हुई है हमारे पास, और फिर भी वहाँ पर हम नज़रअंदाज करते हैं उस काम को। कृपया हमारा यही संदेश है कि आप सर से कि इस काम को अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की विशेष योजनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने देश को सफाई अभियान के अंतर्गत इसे रखें और हर चीज़ का ध्यान रखते हुए हरियाली पौधा का भी सब चीज़ का स्वच्छता का अंदर नहीं, ये कचरा जो है रोड इनको जो है इसमें अंदर गिरने का अधिकार है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है आपके और ये रोड के ऊपर गिरते हैं, इनके बारे में क्या कहना? देखो ये तो हमारे शासन की कुछ ढील है, अन्य कचरा तो क्या किसी भी चीज को गलत नहीं कर सकते, जबकि हमारे लोग बहुत सारे काम को गलत करने जान देते हैं। नहीं, ज्यादा करके जितने भी ये अस्पताल हैं, ये हॉस्पिटल हैं प्राइवेट जो रोड के ऊपर हैं बड़ौत में, भी सभी दरिया में चलते हैं, दरिया में गिरते हैं, इसके बारे में? देखो वो तो हमारा जैसे ही हम अपने अस्पताल एक ऐसी चीज है जिसका नाम एक स्वास्थ्य विभाग है, जहाँ पे हर चीज की स्वच्छता दी जाती है, वहाँ से इंसान के स्वास्थ्य के बारे में टेक्नोलॉजी भी और बीमारी भी हर चीज़ का शिक्षा ग्रहण है। स्वास्थ्य वो ही अगर सफाई करें ना सफाई करेंगे तो क्या होगा, बीमारी फैलेगी, आदमी बीमार होंगे, बीमारी फैलेगी, इंसान का अस्तित्व में क्या होगा। अच्छा, जिले का एक CMO हेल्थ ऑफिसर है जिसके अनुसार बताया गया है कि आप गरीब आदमी की अच्छे से तरीके से जाँच होती है और निःशुल्क 1 रुपये की पर्ची में आप मुफ्त इलाज करा सकते हैं, बड़े से बड़ा डॉक्टर बैठता है चाहे वह मेरठ में रहने वाला हो। अब मैं जानकारी करना चाहता हूँ, जो प्राइवेट अस्पताल है उनमें जो कचरा है वो रोड पर गिरते हैं, जिसमें गिरने का अधिकार है, उसके बारे में? ये जो प्राइवेट प्राइस हॉस्पिटल है जैसे कि उन्हें रोड पर गिरने का नहीं अधिकार है, जो मोदी सरकार योजना के तहत योजना बनाई है उन्हें ड्विन बॉक्स में डाला जाए, जो अपने स्थान पर स्थित रूप से बनाए गए हैं, और हमें अपने दूसरों को भी यह शिक्षा देनी चाहिए कि जो कूड़ा कचरा इधर उधर पड़ा है उनको ड्विन बॉक्स में डालना चाहिए, और ये मोदी योजना की सबसे पहली योजना है, सभी को इसके लिए साक्षरता करना चाहिए और एक दूसरे को इसके बारे में बताना चाहिए कि जैसे कि रोड पे प्लास्टिक पन्निया इत्यादि केमिकल्स भरी इनको आप बिन बॉक्स में डालें, और इस तरीके लिए साक्षरता अभियान का ये जागरूक मिशन है। सर मेरा कहना है कि क्या नाम है, जो प्राइवेट अस्पताल है जो कचरा है बाहर रोड पर डालते हैं तो इनका कोई समाधान होना चाहिए, इसकी मेरी यही राय है कि क्या नाम लिख रहा है इनको सूचित किया जाए कि जो कचरा है रोड पर मत लाइए। अच्छा, ये नहीं, ये लोग तो कहने के बावजूद भी, नगर पालिका के कहने के बावजूद भी बड़ौत के अंदर जो लोग हैं ये सब जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं सारे रोड के ऊपर जो है दरिया में इनमें गिरते हैं, इनके बारे में? हाँ जी, ये क्या नाम लगे दरिया में नहीं जाना चाहिए, या इनको अपने ही यहीं पे कूड़ादान या कुछ भी रखने के अलग करना चाहिए। इस समय हम जिला अस्पताल कैंपस में हैं, जो इधर जो है एक रास्ता है, रास्ते के ऊपर जो है कैंपस में जो है गंदगी पड़ी, जो है पॉलीथिन पड़ी है, जो इंसान के अंदर से पट्टी जो जख्म हो रहे सबकी गंदगी यहाँ पड़ी है, जो इधर दिखाना चाहता मैं बताना चाहता हूँ मैं अपने कैमरामैन को एक बार, जो है इधर SP का आवास जो है खुली 10 मीटर है और 10 मीटर के बराबर में जो है इस कैंपस में जो है इधर जो है गंदगी पड़ी, थोड़ी ही दूरी में जो है 2 किलोमीटर है, दो मीटर के करीब है PM हाउस है, जो गंदगी इसी के निकट पड़ी है, आने जाने वालों को क्या दीन है क्या देखने सोचते हैं। देखिए, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी स्वच्छता अभियान जो है लिखा दीवार पर, और ये मैं बताना चाहता हूँ देखिए क्या गंदगी का भंडार है और भरा पड़ा। इधर हमारे न्यायालय हैं, इधर जो है ये अपना 10 मीटर पर जो है SP का आवास है, और जो गंदगी इतनी बेशुमार गंदगी जो है इस पर, पॉलीथीन भी है, दवाइयों के सब गड़े सड़े कपड़े सब यहाँ पे दे रखे हैं इन लोगों ने, देखना कितना मतलब एक कितनी बड़ी लापरवाही गौर की जा रही। इस रास्ते को जो कैंपस है इस रास्ते को जो है ना आने जाने वाले भी आते जाते हैं, और इन लोगों का देखे क्या हाल है, और ये मैं बताना चाहता हूँ कि इन लोगों की सोच
मतलब कहने के बाद में उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के बाद में भी इनके जूम नहीं रह रही। जिले के जो अपने आला अधिकारी हैं वे भी इन चीज में कोई भी संज्ञान नहीं ले पा रहे। अब चलिए बात करते हैं मिर्जापुर जिले की, जहां बायोमेडिकल को लेकर किस तरह की सावधानियां बरती जा रही है ये भी आपको दिखाते हैं। वैसे आपको बता दें कि शहर से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट को मडिहान के जंगलों में फेंक दिया जाएगा, तो जंगली वातावरण भी प्रदूषित होता है, जिससे शहर में प्रदूषण बढ़ने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। हर कलर के जो बायोमेडिकल डस्ट है रखा जाता है, वो उसमें रखते हैं, फिर संगम वाले आके ले जाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये कचरा निकालने के लिए जो हॉस्पिटल का कचरा होता है उसके लिए मतलब सफाई कर्मियों का उपयोग किया जाता है? नहीं, सफाई कर्मी नहीं, वो डस्टबिन बनी हुई है कलर वाइज जी, उसमें रखते हैं, फिर वो संगम मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड वाले आते हैं ले जाते हैं। मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड के लोग ले जाते हैं। तो ये कितने दिन से चल रहा है सिस्टम? अरे ये काफी दिन हो गए, एक तो नहीं बता पाएंगे, मगर 3-4 साल। फिर भी कितना कचरा बायोमेडिकल का निकलता होगा आपके यहाँ? बहुत, अब इतना काउंट नहीं किया, मगर ये है कि 2 बाल्टी 3 के आसपास आते होंगे। गंदगी इतना तेज महकने लगता है, कोई बाहर बैठ नहीं सकता है। अरे पोषण पुनर्वास केंद्र में क्या होता है? यहाँ कुपोषित बच्चे भर्ती होते हैं। इस समय कितने बच्चे उपस्थित हैं? अभी कल 2 थे डिस्चार्ज हो गए। अच्छा, तो बायोमेडिकल वेस्ट जो यहाँ फेंका जा रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ठीक पीछे और आपके पोषण पुनर्वास केंद्र के बगल में ही वो स्थान है, तो उससे इस स्थान को क्या प्रभाव पड़ रहा है? बस गंदगी है, गंदगी माने काम नहीं कर रहे हैं सुपर लोग, इसमें 5-6 लोग 3-4 से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इतना गंदगी हो। अगर ये जो बायो वेस्ट यहाँ पर सब गिर रहा है तो इसको कहीं फेंक उठा करके फेंका जाता है कि यहीं पड़ा रहता है? सड़ता नहीं, नहीं नहीं, अभी तो आज सुबह ही किरान से लग के कहीं गया है। कहाँ जाता है अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे कहाँ जाता है। अब चलिए आपको हाथरस की तस्वीर दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ही आंकलन कीजिए। ये हमारे जहाँ जहाँ निकलता है वेस्टेज, एक समान वेस्टेज होता है, एक बायोमेडिकल वेस्ट होता है, उनके लिए अलग अलग डस्टबिन रखी गई है जहाँ जहाँ पर ये प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हमारे यहाँ एक कलेक्शन शेड है, अलग अलग कमरे बने हुए हैं, 3 सरकार ने बनवाए हुए हैं, सीएम साहब के द्वारा मतलब उनकी देख रेख में बनवाए हैं, वहाँ इकट्ठे किए जाते हैं, वहाँ से सरकारी गाड़ी आती है, उनको इकट्ठा करके ले जाती है, उनका वहाँ निस्तार। कितने दिन पहले बने हुए हैं सर? ये करीब 3-4 महीने तो हो ही गए, पहले हम उनको अलग से रखते थे, अब उन्होंने सरकार के द्वारा स्थायी रूप से चैम्बर बनवा दिए गए हैं। जो ये अस्पताल में डिस्टेज होती है ये विभिन्न तरह की होती है, तो इसमें हम लोगों को जो बताया गया है या जो इसके मापदंड हैं उसके अनुसार इनका सेग्रीगेशन किया जाता है, यानी पृथक्करण हम करते हैं और इनको डिफरेंट कलर कोड के हिसाब से इनको सेपरेट किया जाता है। हमारे यहाँ पर इनको डिफरेंट करके और उसको फिर यहाँ पर केबिन बने हुए हैं, उनके चैम्बर शेड बने हुए हैं, उन शेड्स को भी उसी तरह से पृथक्करण करके अलग अलग कलर कोड से उसको बनाया गया है। जो सारा अस्पताल का कूड़ा है तो नियमानुसार उसको जिस कलर कोड में होना चाहिए वहाँ पर करके उसको शेड में पहुँचा दिया जाता है। फिर एक जो कंपनी आगरा की है बायोमेडिकल वेस्ट के, जो उसको डिस्पोजल के लिए रखी गई है, वो उसको वहाँ से उठाती है और उसका डिस्पोज ऑफ करती है। अस्पतालों के वेस्टेज को लेकर के जिला अस्पताल परिसर में बायोमेडिकल वेस्ट संग्रह स्थल बनाया गया है, जिसमें पूरे अस्पताल की जितनी भी वेस्टेज होती है उसको इसमें सफाई कर्मचारियों द्वारा डाला जाता है, और यहाँ से जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं इसमें उस कूड़े को डाला जाता है और बाद में JRR कंपनी आगरा की एक प्राइवेट कंपनी द्वारा यहाँ से उसको भरवा करके बाहर भिजवाया जाता है। मैं ABC स्टार न्यूज़ के लिए जय किशोर कुशवाहा हाथरस। तो
तो देखा आपने किस तरह से अस्पताल के कर्मचारी ही सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक ये कर्मचारी समझ पाएंगे कि उन नियमों का पालन करना इन्हीं का दायित्व है, इन्हीं का फर्ज है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीसी स्टार न्यूज़। नमस्कार।